नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। यहां पे से राजस्थान के आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर, राजस्थान सरकार अब 15,000 महिलाओं को दिलाएगी रोजगार। अगले 3 साल में 15,000 महिलाओं को नौकरी दिलाने का गहलोत सरकार ने निर्णय लिया है। आपको बता दें कि निजी कंपनियों और संस्थाओं में नौकरी दिलाने के लिए बैक टू वर्क योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे मंजूरी दे दी है। इसमें विधवा और सिंगल वुमन, तलाकशुदा और क्राइम से पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर की ओर रुक रहे, लेकिन उससे पहले वीडियो पर लाइक की उम्मीद करते हैं 500। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, फिर अलर्ट हुआ चिकित्सा विभाग। नए कोरोना केस सामने आने के बाद 4 दिन के टीकाकरण अभियान के लिए प्रत्येक ब्लॉक की 3 PCC चिन्हित किए गए हैं। कोरोना केसेज में दोबारा बढ़ोतरी होने के बीच चिकित्सा विभाग में अलर्ट मोड पर आ चुका है। इसके लिए आपको बता दें कि जिले में 3 से 7 दिसंबर तक सघन टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। यह उन लोगों के लिए अच्छा मौका है जिन्होंने अभी तक दूसरी डोज नहीं लगवाई है या फिर जिनके एक भी डोज नहीं लगी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, RLP सभी जगह लड़ेगी चुनाव। प्रदेशाध्यक्ष और भोपालगढ़ MLA पुखराज गर्ग ने की घोषणा, बोले RLP तीसरा मजबूत मोर्चा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और पंचायत समिति चुनावों में जिले के सभी जोन में उम्मीदवार खड़े करेगी। मंगलवार को श्रीकर्णपुर में पत्रकारों से बातचीत में RLP के प्रदेशाध्यक्ष और भोपालगढ़ के विधायक पुखराज गर्ग ने इस संबंध में घोषणा कर दी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 14 जनवरी तक रहेगा मलमास। दिसंबर में विवाह के लिए 5 मुहूर्त हैं। मलमास के दौरान नहीं होंगे कोई मांगलिक कार्यक्रम। दिसंबर में केवल विवाह के लिए 5 मुहूर्त हैं, जो कि 1, 6, 7, 11 व 13 दिसंबर तक सावे रहेंगे। इसके बाद 14 दिसंबर से मलमास शुरू हो जाएगा, जो 14 जनवरी तक रहेगा। इसके बाद शादियां और अन्य शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो सकेंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 70 दिन के बाद लौटा कोरोना। नीदरलैंड से आया युवक 27 दिन गांव रिश्तेदारी में घुमा मौज की। वापसी के लिए जब रवाना हुआ तो टेस्ट करवाया तो पाया गया पॉजिटिव। सतर्कता से ही तीसरी लहर रुकेगी। दुनिया में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच मंगलवार को सीकर के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। 70 दिन के बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मिला है। पॉजिटिव युवक कुदन ब्लॉक के दुजोद गांव का रहने वाला है। वो 3 नवंबर को ही पत्नी के साथ नीदरलैंड से घर दुजोद गांव पहुंचा था। वापस जाने के लिए सोमवार को RT-PCR जांच के लिए सैंपल दिया तो वो पॉजिटिव मिला। स्वास्थ्य विभाग ने युवक को घर में आइसोलेट किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, माँ घोटाला में 20 लाख लोगों के 14,682 करोड़ रुपए अटक गए। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में विभिन्न योजनाओं में मद में राशि जमा कराने वाले 1732 याचिकाकर्ताओं को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोसाइटी के डूबने से इन जमाकर्ताओं के लाखों रुपए जमा पूंजी अटक गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने सोमवार को 1732 याचिकाओं को निष्कासित करते हुए इनकी दावा प्रार्थना पर 90 दिन में निर्णित करने के आदेश दिए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर इस वक्त आ चुकी है। आपको दे दें कि इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर है, शादी के कार्ड पर अब सापनी पड़ेगी दुल्हा दुल्हन की जन्म तिथि। प्रिंटिंग प्रेस वालों को कार्ड सापने से पहले अपने पास लेना होगा जन्म तिथि का प्रूफ। बाल विवाह रोकने को लेकर कलेक्टर सिनमीय गोपाल ने अनूठी पहल की है। अब दुल्हा दुल्हन के शादी के निमंत्रण कार्ड पर उनकी जन्मतिथि छापना अनिवार्य किया है। इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस वालों को भी दुल्हा दुल्हन की जन्मतिथि का प्रूफ अपने पास रखना होगा। साथ ही बाल विवाह होने पर संबंधित टेंट वाला, हलवाई समेत आदि पर भी कार्रवाई होगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर कोरोना अपडेट को लेकर है। राजस्थान में देर रात 15 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 11 मरीज मिले हैं। उदयपुर में 2 और अजमेर बीकानेर में 1-1 केस और एक्टिव केस 193 हो चुके हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15 नए केस दर्ज किए गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर मंगलवार को 193 हो गई है। जिलेवार की स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा 11 मरीज राजधानी जयपुर में मिले हैं, जबकि उदयपुर में 2 और अजमेर बीकानेर में 1-1 मरीज मिला है। लगातार ये तीसरा दिन है जब राजस्थान में केस की संख्या 20 से कम आई है। हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखें तो पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे राज्य में 28,144 लोगों की जांच की गई, जिसमें 15 लोग पॉजिटिव मिले हैं। ये थी राजस्थान की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहिए द सुगम के साथ।